यार संतोष, आज थोड़ी जनरल नॉलेज की बात हो जाए। हाँ हाँ सर, क्यों मेरी धज्जियाँ उड़ा रहे? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अच्छा ये बताओ कि पिछला ओलंपिक्स किस देश में हुआ था? पिछला ओलंपिक ये यहाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ ये अभी ब्राजील में हुआ। ब्राजील ब्राजील पता था तेरे को? अरे वाह। अच्छा माइकल फेल्स है ना, माइकल फेल्स। माइकल फेल्स जानता है? हाँ सर बिल्कुल, स्विमर ना। हाँ तो माइकल फेल्स ने अपनी लाइफ टाइम में कितने मेडल जीते? लाइफ टाइम में आठ। 28 मेडल्स ही हैज वन इन हिज लाइफ टाइम। 28। अरे सर आज ये मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? ताकि दुनिया को पता चले कि मेरा जनरल नॉलेज खराब है। दुनिया को पता चले कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, वहां से भी कल कोई ऐसा खिलाड़ी निकले जो ओलंपिक से कोई मेडल ले आए, क्या मालूम? खरच मंडळी, आम्हाला दोघांनाही माहित नव्हतं, म्हणजे याची कल्पनाच नव्हती की मुंबईमध्ये इतका अत्याधुनिक स्टेडियम आहे। हे बघा ना, इथे ऑलिम्पिक साईज स्विमिंग पूल आहे, तिकडे ॲथलेटिक ट्रॅक आहे, तिथे फुटबॉल स्टेडियम आहे। ग्रेट ना। जिस मुमरा को कभी इज्जत की नजर से देखा ही नहीं जाता, उस मुमरा के वकार को, उसकी इज्जत को जितेंद्र भाई ने आसमान दिखा दिया। तो मैंने देखा नहीं है आज तक किसी मुस्लिम एरिया में इतना बड़ा स्टेडियम, जो हर तरह की फैसिलिटी, स्विमिंग है, ये है, वहाँ पे प्लेयर्स लोग खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आई मीन इट इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग। मतलब मैं आपका फैन बन गया। आई रियली एडमायर व्हाट यू हैव डन फॉर और ये एंटायर एरिया ऑफ कलवा है। जो कामयाबी है उसकी खुशी तो पूरी है, लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि दास्तान अभी हमारी अधूरी है। बहुत हुआ है लेकिन कुछ कमी तो है। बहुत से होंठों पे मुस्कान आ गई लेकिन बहुत सी आंखें हैं जिनमें अब तक नमी तो है। मेरा इशारा किस तरफ है ये जानने के लिए आपको अगले मकाम का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तर मग भेटू या पुढच्या एपिसोडला, तोपर्यंत काळजी घ्या एंड बी पॉझिटिव्ह। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।